नमस्कार, मैं हूँ सलामत अली और आप देख रहे हैं DRB न्यूज़। लॉकडाउन की तैयारियाँ सरकार कर रही है, लोग चिंतित है कि क्या महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। इसी बीच नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। रात 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति बाहर दिखाई देता है या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा होते दिखाई देते हैं तो उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए जा चुके हैं। बात करते हैं मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन की। लोकल ट्रेन में आम व्यक्तियों को सफ़र करने के लिए रात 9 बजे से सुबह 7 बजे का समय दिया गया है और दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय दिया गया है। अब यदि नाइट कर्फ्यू के गाइडलाइंस की बात करें तो रात के समय का जो 10 घंटा है वो यात्रियों को नहीं मिल पाएगा, यानी यात्री आम व्यक्ति जो है वो केवल 12 से 4 के बीच में ही सफ़र कर पाएगा। आदेश ये भी दिया गया है रेलवे प्रशासन को कि वे जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यदि कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है तो उन पर फाइन मारा जाए। अब फाइन किस तरह से वसूला जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जो गाइडलाइंस है उससे कन्फ्यूजन भी कई सारे क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि गाइडलाइंस की यदि बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि 14 घंटे का समय दिया गया था जिसमें से 10 घंटे हट जाते हैं यदि नाइट कर्फ्यू के कानूनों की बात करें, जो नियम बनाए गए हैं। यदि बात की जाए रेलवे प्रशासन की तो रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वे केवल सूचना कर सकते हैं, लोगों से अपील कर सकते हैं, पर उन पर कार्रवाई करने का उनके पास किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है। अब उनका ये कहना है कि यदि वे लोग कार्रवाई करते भी है तो उन्हें किस तरह का चालान काटना है और किस तरह से रसीद देनी है इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन लगातार बना हुआ है। इसी बीच लोगों से लेकिन अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहे, कोरोना से बचने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही साथ मास्क जो है वो अनिवार्य है, मास्क ज़रूर पहने। ये तमाम चीज़ें जो है ये गाइडलाइंस के तहत जारी की गई है जिसका पालन हर किसी को करना है। फिलहाल कन्फ्यूजन बना हुआ है कि रेलवे में सफ़र करते वक्त नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है। सरकारी अधिकारी, रेलवे के अधिकारी जो है वो कंफ्यूज है कि उनके पास कार्रवाई करने के अधिकार नहीं है तो ऐसे में वे किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल आम व्यक्तियों से ये अपील की जा रही है कि वे दिशा निर्देशों का पालन करें। नाइट कर्फ्यू लगी हुई है तो कोशिश करें कि रात के वक्त 8 बजे के बाद सफ़र ना करें। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल DRB न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।